और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें, दिल्ली से सोनिया गांधी से मिलने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। सोनिया गांधी के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि सोनिया गांधी से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष से मिलने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनिया गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। आपको बता देंगे थोड़े ही समय बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं, ऐसे में इस तरह की मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद लांबा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, क्या मायने हैं इस मुलाकात के? इस बात के मुलाकात के मायने कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए उनके नामांकन की बात आ रही है और वन ऑफ द सीनियर लीडर्स हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, अब G23 के तौर पर कहीं ना कहीं समय समय पर सवाल भी उठाते रहे हैं। गुलाम नबी आजाद से मुलाकात को लेकर दूसरे दल कुछ भी कहीं ना कहीं निशाना साधते रहे हों, लेकिन वन ऑफ द सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के और दो बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। सीधी मुलाकात का मतलब यही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होने हैं उस विषय में भी लगातार बातचीत की जाएगी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जो डेलीगेट्स की बैठक हुई थी चंडीगढ़ में, वहां दो लाइन का जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें कहीं ना कहीं ये मांग रखी गई थी तमाम हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट्स द्वारा कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़े, और राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए तमाम डेलीगेट्स की तरफ से एक प्रस्ताव भी चंडीगढ़ में पिछले दिनों पास किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है उसमें जो घटनाक्रम है उसमें जो योगदान होगा या जिस तरह का रोल होगा, इस तरह की मुलाकातें हो सकती हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात के बाद खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि अक्सर बड़ी मुलाकातों के बाद सार्वजनिक तौर पर या मीडिया के कैमरों के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा बयान नहीं देते हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की अंदरूनी चुनाव की जो बातचीत है, इस मुलाकात को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है हार्दिक। और थोड़े समय पहले अगर मैं तकरीबन बात करूं 3 हफ्तों पहले की, तो यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक गहलोत के बीच मुलाकात भी हुई थी, कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई थी। तो इस मुलाकात के बाद ऐसे मिलना, यानी कि एक तरफ तो दोनों कांग्रेस के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस एक रहे, भारत जोड़ो यात्रा को, हल्ला बोल यात्रा को सफल बनाने की कोशिश, और दूसरी तरफ लग रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए हर कोई होड़ में है, चाहे फिर शशि थरूर हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर अशोक गहलोत खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार की सहमति से ही खड़े हो रहे होंगे। राहुल गांधी का इस पूरी यात्रा के दौरान दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने पढ़ा हो सुना हो, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक पद जो होगा पार्टी का वो कहीं ना कहीं एक आदमी एक पद की बात रखी जाएगी। ऐसे में सवाल जो गहलोत की दावेदारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन को लेकर, उसमें पेच सिर्फ एक है। पेच क्या है हार्दिक? पेच ये है कि क्या मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करें और गांधी परिवार का भी उसमें स्वीकृति हो, ये एक पेच है। ये बात लगभग कहीं ना कहीं साफ अब तक जो पूरा घटनाक्रम है साफ होती नजर आती है कि कहीं ना कहीं अगर गांधी परिवार के बाहर कोई नामांकन करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो गहलोत वहां नंबर वन पर खड़े हैं। लेकिन क्या उनको मंजूर होगा कि मुख्यमंत्री जो है राजस्थान का बदल दिया जाए और उसमें भी गहलोत की ना चले? और आपने ये भी ठीक कहा कि पिछले दिनों बड़े सीक्वेंस के हिसाब से याद किया कि गहलोत की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मुलाकात हुई। बिल्कुल विनोद, और दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, कई कार्यक्रमों में साथ देखे जाते हैं। तो ऐसे में सोनिया गांधी से ये मुलाकात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर है या किसी और बात को लेकर, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।